एक ड्रायर खरीदा, ठीक है, वो ड्रायर हमने खरीदा है 5400 रुपए का, और इसमें 8 जो है इसमें पहले से ही इंक्लूडेड है, यानी कि जो हमारे प्राइस खरीदा है ये वेट के बाद का प्राइस है। तो इसकी बताओ वेट से पहले जो इसकी अमाउंट होगी वो क्या होगी, यानी कि एमआरपी क्या होगी। लेट मैंने माना जो एमआरपी होगी, ठीक है, हेयर ड्रायर की, ऑफा हेयर ड्रायर, वो आपकी होगी रुपीज़ एक्स, ठीक है। इस पर मुझे टैक्स मैंने कितना पे किया है, 8% पे किया है एक्स का, 8/100 × x, यानी कि 8x/100। इसमें ये कह रहा है, आप इसको 0.08x भी लिख सकते हो। अब ये कह रहा है कितना उसने पे किया है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है, यानी कि एमआरपी प्लस टैक्स, ठीक, टैक्स इसमें इंक्लूडेड है ना, टैक्स इंक्लूडेड है, यानी कि 5400, और एमआरपी कितनी है उसकी एक्स, और ये कितना हुआ 0.08x, 5400, ये आएगा आपका 1.08x। अगर आप एलसीएम से बचना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, 1.08 इज पॉइंट हटाएंगे ऊपर आएगा ज़ीरो, ये कट रहा है काट दो, 4 2 8, 4 7 7 28, 4 1 4, 4 3 12, 2 4 5 21, 2, अब देखो ये 5 कट रहा है, ठीक है। तो यानी कि 5000 यहाँ पे आएगा, 1000, यानी कि जो आपकी अमाउंट पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएंगी, 2 0, तो आपका ये आएगा, यानी कि आपने कितने अमाउंट पे किए उसको, 5000 जो था एमआरपी थी।